बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जी हाँ, जिस तरह से आप जानते हैं जी, मैं हूँ इमरान इकबाल और आज मैं इस वक्त मौजूद हूँ जी बहरिया टाउन SL3 की उस लोकेशन पर जहाँ आप अगर आ रहे हैं DHA, आप देख सकते हैं सामने, ये आप सामने देख रहे हैं। अगर आप DHA और एयरपोर्ट की तरफ से आ रहे हैं और आप एंटर होना चाहते हैं बहरिया टाउन में, तो मैं एग्जैक्ट उस लोकेशन पर मौजूद हूँ जहाँ पर आप बहरिया टाउन में इन होना चाह रहे हैं। तो इस लोकेशन से जो आप DHA से आते हुए, एयरपोर्ट से आते हुए बहरिया टाउन में इन हो सकते हैं। वर्क प्रोग्रेस भी आप देख रहे हैं कि इसके साथ जो सर्विस रोड्स वगैरह हैं बकायदा, वो भी तैयार की जा रही हैं। जो टूल प्लाजा है वो भी तैयार की जा रही है। इस जगह की, इस एरिया की बात करूं तो बखूबी आप वाकिफ़कार हो गए, काफ़ी वीडियोस मैं इस पर बना चुका हूं। आज मज़ीद क्योंकि डेवलपमेंट काफ़ी तेज़ी से जारी है और कुछ दोस्तों ने कहा भी था कि जी आप एग्जैक्ट हमें बताएँ, तो ये इस वक्त मैं नरगिस ब्लॉक, जिसका रिसेंटली नाम जो है हुसैन ब्लॉक रख दिया गया है, मैं उस जगह पर मौजूद हूँ जहाँ पर आप देख रहे हैं कि ब्रिज कम्प्लीट हो चुका हुआ है। सेंटर में ही आप देख रहे हैं कि नाले की स्पेस है, दोनों साइड्स पर रोड्स हैं। आने वाले दिनों में इस रोड की अगर मैं बात करूं तो इस जगह पर ये एग्जिट बनाने का, इस मुकाम का मकसद ये है कि तमाम सोसाइटीज़ को जो है आपस में इंटरलिंक किया जा सके। उसमें अगर सोसाइटीज़ के हवाले से मैं बात करूँ, अगर आप इस साइड की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर AWT Phase 2 आ जाता है, उससे आगे अगर आप जाते हैं तो सुई गैस सोसाइटी आ जाती है, और सुई गैस सोसाइटी के साथ बकायदा आप इस रोड से थ्रू आउट जा सकेंगे जाती उमरा रोड यानी कि शरीफ कम्प्लेक्स और आगे सुंदर की तरफ। और अगर इस साइड की तरफ मैं बात करूं बकायदा, अगर इस साइड की तरफ आप जाते हैं तो ये सीधी सड़क जाकर मिलेगी जी AWT Phase 1 को, उसके बाद LDO को और ड्रीम एवेन्यू को। और सेंटर में ये ब्रिज और इंटरलिंक बनाने का मकसद ये है, इस रोड को इंटरलिंक करने का सबसे बड़ा मकसद ये है कि तमाम सोसाइटीज़ की जो एक्सेस है, जो यूज़ करना चाहते हैं SL3 को, तो उनके लिए इजी एक्सेस दी जाए ताकि हर सोसाइटी और तमाम रहायशी जो है इसको इजीली एक्सेस कर सके SL3 को। जिस तरह से ये आप अगर एग्जिट होना चाहते हैं बहरिया टाउन में तो ये वो लोकेशन दी गई है, और अगर आप बहरिया टाउन से इन होना चाहते हैं SL3 के ऊपर, तो अगर आप कैमरामैन भाई थोड़ा सा फोकस करें तो ये बाकायदा जिना ब्लॉक में जो है टूल प्लाजा बना दिया गया। अगर बहरिया टाउन से आप SL3 के ऊपर जाना चाहते हैं और जाना चाहते हैं मुल्तान रोड की तरफ, तो यहां से आप एक्सेस करके बकायदा ऊपर जा सकते हैं। तो इस तरह की मजीद डिटेल्स के लिए अगर कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए हो या कोई भी जानकारी आप SL3 से रेलिवेंट चाहते हो या प्रॉपर्टी से रेलिवेंट चाहते हो, तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर रब्ता भी कर सकते हैं। और मजीद वीडियोज़ के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप जहां जहां ब्रिजेस बन चुके हुए हैं, जो इंटरचेंज बने हैं बहरिया टाउन में, जो अंडरवेज बने हैं, उन सब की डिटेल्स आपको मिल सके। जाकल्ला जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।